तो दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे दे, भारत सरकार ने नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। नेजल वैक्सीन को केंद्र सरकार ने मंजूर कर लिया है। आपको बता दें कि बूस्टर डोज के तौर पर नेजल वैक्सीन लगेगी। नेजल वैक्सीन पहले निजी अस्पतालों में मिलेगी। आज से कोविड टीकाकरण कार्यक्रम में इसको शामिल भी किया जाएगा, ये सूत्र के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नेजल वैक्सीन पहले निजी अस्पताल में मिलेगी, ये जानकारी मिल रही है। बूस्टर डोज के तौर पर नेजल वैक्सीन को इस्तेमाल किया जाएगा। नेजल वैक्सीन को केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो दिल्ली से बड़ी खबर, जहां भारत सरकार ने नेजल वैक्सीन को मंजूरी दी है। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मिली मंजूरी, ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेजल वैक्सीन को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। बूस्टर डोज के तौर पर नेजल वैक्सीन लगेगी। नेजल वैक्सीन पहले निजी अस्पताल में मिलेगी। आज से कोविड टीकाकरण कार्यक्रम में इसको शामिल किया जाएगा, ये सूत्र के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तो बड़ी जानकारी, नेजल वैक्सीन पहले निजी अस्पताल में मिलेगी और आज से कोविड टीकाकरण कार्यक्रम जो शुरू होने वाला है उसमें इसको शामिल भी किया जाएगा, ये सूत्र के हवाले से बड़ी जानकारी।